कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और श्रीलंका की टीम पहली बार टेस्ट मैच खेल रही है और इन दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा ये टेस्ट मैच यादगार बन गया, क्योंकि इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने केएल राहुल को पवेलियन की राह दिखा दी। मैच की पहली ही गेंद पर आउट होकर राहुल ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे कोई भी बल्लेबाज कभी नहीं बनाना चाहेगा। राहुल ने बनाया ये रिकॉर्ड बारिश से प्रभावित इस मैच में टॉस देरी से हुआ। लंच के बाद जब टॉस हुआ तो श्रीलंका ने टॉस का बॉस बनने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मैच की पहली ही गेंद पर लकमल ने राहुल 0 को विकेटकीपर डिकवेला के हाथों कैच आउट करवा कर भारत को पहला झटका दिया। इसके साथ ही राहुल किसी भी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए। हालांकि इससे पहले राहुल ने लगातार 7 अर्धशतक जमाए थे, लेकिन इस पारी में वो अपना खाता तक नहीं खोल सके। टेस्ट मैच की पहली गेंद पर कोई भी बल्लेबाज कभी भी आउट नहीं होना चाहेगा, लेकिन अब उनके नाम यह अनचाह रिकॉर्ड दर्ज हो गया। राहुल से पहले ये काम वसीम जाफर ने किया था। जाफर 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट हो गए थे। टेस्ट सीरीज की पहली ही गेंद से श्रीलंका की टीम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि इस टेस्ट सीरीज के लिए भारत को फेवरेट माना जा रहा है और इसकी वजह है भारतीय टीम की परफॉर्म और श्रीलंका का भारत में एक भी टेस्ट मैच न जीत पाने का रिकॉर्ड। लेकिन मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर लंका ने इस रिकॉर्ड को बदलने के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।